तो अभी ये स्क्रू निकालने का है, ये स्क्रू निकालने का है। तो जैसे आपको दिख रहा है टी, ये टी 20 या 30 के आसपास होना चाहिए इसका नंबर। अपने पास है सब टूल। ये देखो, ये इधर मेरे पास जो सिक्स पैक टूल। ओके, तो राइट साइज अपने को मिल गया। आई थिंक टी 25 या टी 30 था। ये फट गया, इसके लिए मेरे को दिख रहा नहीं है। तो मैं ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक टूल यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को ड्रिल यूज़ नहीं करने है, क्योंकि अगर बहुत पावरफुल हो गया और वो स्लिप होने लग गया तो ये स्क्रू डैमेज हो जाए। ये आ गया बाहर। नेक्स्ट निकालने का ये वाला। ये वाला निकल रहा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो मैंने सस्पेंशन के टाइम पे मैग्नेट यूज़ किया था। ओके, सब टूल्स इवेंचुअली काम में आते हैं बॉस। ओके, आई थिंक ये निकल रहा नहीं है। तो ये आ गया बाहर। ओके, तो नेक्स्ट अभी मेरे को करने का ये जो पैनल है, ये पूरा ऐसे आराम से प्यार से इसको निकल दे जाने का। ऑल दो ये सब क्लिप्स है, और जब ये एक टाइम सब क्लिप्स निकलेगी, पैनल को स्लाइड ऊपर की तरफ करने का। और फिर यूजली सब पैनल ऐसे ही होते हैं, थोड़ा आप ऊपर करोगे फिर वो आ जाता है बाहर। ठीक है, तो अभी लगता हूँ काम पे। तो मैं सब क्या ये सब ट्रिम वगैरह सब ऐसे साइड में कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट थिंग यू नो अपनी जीभ आ गई इधर और उसके ऊपर चढ़ जाएगी और पूरी खत्म हो जाएगी वो ट्रिम की। तो ये पैनल के लिए मैं ये वाला टूल कर यूज कर रहा हूँ। जैसे आपको दिख रहा है इसका ऐसे कर्व, तो क्या थोड़ा हेल्प हो जाए। जैसे आपको दिख रहा है गाइस, या सुनाई दे रहा है वो क्लिक की आवाज, तो सब पिन्स सेपरेट हो रहे हैं। और क्योंकि ये ऐसे कर्व्ड है, नॉट श्योर आप लोगों को दिख रहा है, मेक श्योर करना। यस, तो क्योंकि ये कर्व्ड है, मेरे को इतना स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है। मोस्ट वेट अपना प्रेशर जा रहा है इसके ऊपर इधर, ये कर्व पे। ठीक है, थोड़ा नजदीक कर दूं तो आपको थोड़ा दिखाई देगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो भी थोड़ा स्ट्रेंथ से ही पुल करो। ऑलमोस्ट हो गए। तो ये देखो गाइस, एक पिन आ गई बाहर, बाद में देखते।
तो आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट हो तो गया है, ये ऊपर किया, आई होप आपको दिख रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सब वायर तो नहीं निकालूंगा क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स है इधर, जैसे आपको दिख रहा है, ये देखो ये सब वायरिंग, अभी सब तो नहीं निकालूंगा मैं, जहां वो आर्मरेस्ट का अटका हुआ है, ठीक है, तो मेरा गोल है कि खाली वो ही बाहर निकालूं। और लो मेरे को श्योर नहीं है उसका, उस स्क्रू का साइज मेरे को मालूम नहीं, तो अभी इसका जो पावर विंडोज पावर लॉक का जो बटन है वो जैसे आपको दिख रहा है, ये वाइट वाला है, तो ये मैं डिस्कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, और इसके स्क्रूज में कुछ श्योर नहीं है कि इधर है, तो मेरे को वो देखना पड़ेगा कि इसके 3-4 स्क्रू तो कम से कम होना चाहिए पूरा जो इसका असेंबली है उसके लिए। तो आप लोगों को बता दो, एक दो कन्फ्यूज हो गया थोड़ा मैं, एक तो ये वाला जो पीस है ऐसे फोम है, मालूम नहीं ये कहाँ से गिरा है, दूसरा ये क्लिप बाहर आ गया, तीसरा जो ये पैनल के या इस ये पैनल के पीछे इसके अंदर स्क्रूज होने चाहिए, ठीक है, तो मेरे को वो स्क्रूज ही नहीं मिल रहा है, जैसे दिख रहा है वो ऐसे काइंड ऑफ बटन टाइप है जो ऐसे हुक्ड है उसके साथ, तो आई नीड टू फिगर आउट इसका क्या करूं, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया, इतने सारे कनेक्शन है इसके ऊपर, तो मेरे को सब कनेक्शन निकालने का नहीं, तो मैं सोच रहा हूं अपना जो एस और जीक के खाने का डब्बा है उसको इधर लेके आ रहा हूं, उसके ऊपर इसको रखते और होपफुली उसको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है मैं अपने पैर पर रख रहा हूं और वो चक्कर में मेरा काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट थिंग यू नो कोई वायर ऐसे पुल कर डालो और टूट जावे, फिर एक का दूसरा हो जाए, तो आप लोगों को दिखा दो तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को अभी ये पूरा ये जो नीचे प्लास्टिक का आपको दिख रहा है ये निकालने का है, इसका पूरा ऐसे बाहर आएगा, ऑल दो ये पीस नहीं, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट करने का, तो इधर किधर स्क्रूज होने चाहिए, तो स्क्रूज का एक भी मेरे को स्क्रू दिख रहा नहीं है, तो मैं निकालूं कैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो मैं आपको बोल रहा था बटन जैसे, तो ये देखो ये ऐसे काइंड ऑफ इसके अंदर ये लोग ने ऐसे जैम करके रखा है, तो मेरे को ये तोड़ने का भी नहीं है, तो इसके लिए अभी थोड़ा मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या करूँ इसका मैं।